भदोही जनपद के अंतर्गत ग्राम सभा बोरी परवा में सरताजपुर जिला उपाध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि इतना बढ़ते हुए महंगाई से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है और कैसे लोगों की बढ़ती हुई परेशानियां दूर की जाए, इस सरकार में शिक्षा के नाम पर लापरवाही दिख रही है। जहां पर शिक्षा से लेकर रोजगार देने का वादा किया जाता है पर अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं हो पाया। जिला उपाध्यक्ष भदोही सरताज ने कहा कि इतनी ज्यादा महंगाई सब्जी से लेकर तेल तक हो गई है कि कोई गरीब परिवार कभी कभी भूखे ही सो जाते हैं। आज हम बैरी परवा में उपस्थित हैं। आइए हम उस शख्स को जोड़ते हैं अपने चैनल में, जिस शख्स का नाम हमारे भदोही जिला में बहुत ही ज्यादा चल रहा है। उस शख्स का नाम है मोहम्मद सरताज जी। आइए जोड़ते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। और जिस सरकार जिस हिसाब से चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या सरकार में क्या लाभ मिल रहा है क्या नहीं, कैसी सरकार चल रही है, लोगों को क्या लाभ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, आइए इनके माध्यम से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है मोहम्मद सरताज अहमद कादरी, द्वैरी परवा का ही निवासी है। जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसमें लोगों की क्या लाभ मिलता है क्या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या कर ये सरकार में? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी, सिर्फ राशन लोगों को वितरण होता है, उसके अलावा शिक्षा देख लीजिए आप, रोजगारी देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए और लोगों का प्रति एक दूसरे का इखलाक दे लीजिए, ये सब हमारे लोगों के बीच में बहुत कम पाई जाती है। क्योंकि शिक्षा सबसे बहुत ज़रूरी है हमें और आपको, लेकिन शिक्षा हमारे और आपके बीच में है नहीं, क्योंकि महंगाई दर महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, हम और आप जूझ रहे हैं कि खाने के लिए जुटाया जाए, कि बच्चों की फीस के लिए जुटाया जाए, कि बच्चों को कलम कापी के लिए जुटाया जाए, कि बच्चों को किताबों के लिए जुटाया जाए, कि उनकी भविष्य के लिए देखा जाए, शादी विवाह हर एक चीज में पाई जाती है। लेकिन हम और आप इतने बस से बदतर हालत में जी रहे हैं कि हमारे देश का यह हालत है कि हमारे देश में शिक्षा जो कापी किताब पे 18% GST है और सोना चांदी पे 30% GST है, सबसे बड़ी हमारी और आपकी दुर्भाग्य है। तो जैसे अभी आपने बताया शिक्षा के लिए, तो सरकार जिस हिसाब से लोगों को संदेश या लोगों को बोलती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि शिक्षा लाइन जो है सबसे बढ़िया है, तो बीच में ये पेपर लीकेज हो गया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पेपर लीक हो गया था ये सरकार की कमी, ये जो मौके से सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये सब खेला हो गए। जैसे बंगाल में लोग बोलते हैं ना, ममता बनर्जी खेला हो गए, और वही एक खेला यहाँ हो रहा है। क्योंकि लीक होना ये राज्य सरकार के हित में जाता है, लीक नहीं होना चाहिए। आरओ का पेपर मैं भी दिया हूँ, वो भी लीक हो गया लास्ट, और यूपी पुलिस वाला वो भी पेपर लीक हो गया। बताइए हम और आप जाए तो कहाँ जाए? तो जैसे कि अभी बीच में ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग बोलते हैं कि हम गरीबों को राशन वितरण कर रहे हैं और बहुत से ऐसे लाभ बता रहे हैं जो हम कहीं बहुत जगह गए हैं तो वहां की जनता यही बोलती है कि 5 किलो राशन में पूरा महीना नहीं चलता है, तो हम इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सरकार अपने हिस्से जो राशन वितरण कर रही है तो हम और आप राशन तो ले रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि राशन जो मिल रहा है लेकिन सबसे पहले शिक्षा के लिए जरूरी है। और आपको जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब यहाँ शिक्षा की सबसे पहल किया जा रहा था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बोले कि अगर मैं लोगों के पास जाकर समझाऊंगा तो लोग समझेंगे नहीं, शिक्षा सबसे पहले यूनिवर्सिटी को खोल लिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब सबसे पहले यूनिवर्सिटी खोले, तो लोग जानकारी लिए, शिक्षा लिए, एजुकेशन सीखे, यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेजों में गए, बड़े बड़े कॉलेज में गए, पढ़े लिखे, कोई वकील बना, कोई चीफ बना, कोई जज बना, तो अपने अपने हिसाब से लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़े तो यहाँ तक पहुंचे। तो अब वो लड़ाई भी छीनी जा रही है, वो हक भी छीना जा रहा है, वो शिक्षा भी छीनी जा रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह की सरकार बनेगी, आप बनाना चाहिए या आपको ये क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि कौन सा नया चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में आना चाहिए?
मेरे ख्याल से राहुल गांधी का चेहरा सबसे बेस्ट है। और रही बात भदोही जिले की, यहाँ की जनपद की, ललितेश्वरी त्रिपाठी जी यहाँ सबसे बेस्ट है, क्योंकि अच्छे छवि के नेता हैं, खानदानी नेता हैं, कमलापति त्रिपाठी जी के पोते हैं, वो कमलापति त्रिपाठी नहर में पानी देने वाले, शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले, उनके पोते, जो कि उनको जब सरकारी उनको जब सुरक्षा मिल रही थी, उनसे भी वो इनकार कर दिए कि हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, हम पब्लिक के हैं, पब्लिक हमारी है, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए। बीच में ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा था, राहुल गांधी जैसे संसदीय पढ़े लिखे जो है उनके उनके बारे में ये बोला गया कि वो पप्पू है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो खुद पढ़ा लिखा ना हो, अपनी डिग्री ना दिखा पाए, वो तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाई करता है। सबसे पहले शिक्षा, जब जानकारी ज्ञान, जिसे कोई बोलता है ना कि जिस पेड़ के अंदर फल होता है वो झुकता नहीं है, अपने फलों को अपने पत्तों से ढाक लेता है, और जिसके अंदर कील में रहता है वो झुकता है या करता है। लेकिन यही सरकार और बेगर सरकार के जो बाहर है, ये दोनों में फर्क है। हम हालांकि जब ये भदोही जिले में 78 लोकसभा का चुनाव प्रचार और इस समय हो रहा है, तो हम ऐसे ऐसे गांव में गए हैं, तो वहाँ की युवा दिलों की धड़कनों ने ये नारा और आवाज लगाया था कि इस बार ललितेश त्रिपाठी को लाना है और यहाँ के सांसद बनाना है, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ललितेश भैया को नए चेहरे हैं एक बार देखा दे, क्योंकि हमने सारे लोगों को बाहर से आए चुने, ये भी मेरे से करीब ही है, लोगों के भी करीब है, और खानदानी नेता के घर से घराने से भी है। इनको एक बार चुन के अपने जनपद को, लोगों को शिक्षा बढ़ावा देना चाहिए। इनको जब हम जिताएंगे तो हमारी और आपकी शिक्षा और जो गरीबी है कुछ न कुछ इसमें तब्दीली जरूर आएगी। तो लोगों का ये भी थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन रहता है कि ललितेश त्रिपाठी जी लड़ रहे हैं कांग्रेस से, इनका सिंबल पंजा होना चाहिए, या गठबंधन में है तो साइकिल का सिंबल होना चाहिए, ये छह पत्ती जो फूल है ये जो सिंबल है वो ममता बनर्जी का है, इसपे भी बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में क्या करें? लोग आरोप लगाते हैं सर कि छह पत्ती और दो डाली जो है वो सिंबल ममता बनर्जी जी का, तो वो यहाँ जनपद से लड़ रहे हैं ना, हमको अपना जनपद देखना है, अनपद अपना गांव देखना है, अपना जिला देखना है, ना कि हमको बंगाल जाके देखना। हमको बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, हमारे देश का है वो, और हमारे करीबी भी है, हमारे जिले का सटा हुआ जिले का है, तो हम पहले अपने जिले के बाप, अपने पड़ोसी का ख्याल रखेंगे और पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी का ख्याल नहीं रखेंगे। तो इससे पता चलता है पहले ललितेश भैया आते हैं, उसके बाद हम दूसरे को देखेंगे। जैसा कि भैया से बात किए उन्होंने बताया है कि हम ललितेश त्रिपाठी को देख रहे हैं, भदोही जिले को देख रहे हैं, जो विकास की ओर ले जाने वाले हैं ललितेश त्रिपाठी जी, और ये लोगों को संदेश भी दिए हैं कि ये सिंपल ना देखें, ललितेश त्रिपाठी को देखें। और फिर हम इनसे एक और भी बात पूछना चाहते हैं कि लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ललितेश त्रिपाठी के लिए? देखिए, मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, मैं लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग अपनी अपनी हर एक वोट की कीमत समझे, और यहां से ललितेश्वरपति त्रिपाठी जी को सांसद बनाने का कोशिश करें, और यहां से उनको जिताने की कोशिश करें, या जब जीतेंगे तो हमारे और आपकी विकास होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर अगली कड़ी में फिर जोड़ेंगे इसी के साथ।